हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस के टाइम पे हैंड सैनिटाइज़र, फेस मास्क, इस सब का कितना डिमांड है। बहुत मुश्किल से अभी मिल रहा है, तो मेरे पास भी फेस मास्क अवेलेबल नहीं है और जो भी ऑनलाइन मिल रहा है वो बहुत ही महंगा मिल रहा है। तो मैंने डिसाइड किया कि फेस मास्क मैं घर पर ही बनाऊँ, तो आज मैं फेस मास्क बनाने वाली हूँ घर पर ही। तो मैंने ये कॉटन क्लॉथ ले लिया है, इससे मैं अभी इस फेस मास्क अभी घर पे ही बनाऊंगी हाथ से स्टिच करके। तो मैं अभी ये बनाने वाली हूँ, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ। फेस मास्क बनाने के लिए आपको अलग से कोई क्लॉथ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। घर में जो भी कॉटन क्लॉथ अवेलेबल हो उसको काट कर आप ऐसे सुई धागे से सीकर आप बना सकते हैं। इवन आपको ऐसे ज़रूरत नहीं, घर में कोई सुई मशीन की भी ज़रूरत नहीं है। बस कॉटन क्लॉथ, किसी भी कॉटन क्लॉथ को लो, ऐसे काट लो और सुई धागे से ऐसे सी सकते हो। इवन इलास्टिक भी अगर नहीं अवेलेबल नहीं है तो ऐसे ही कपड़े से ऐसा एक डोरी बना के इससे भी बना सकते हैं। ये देखिए, मेरा फेस मास्क बनकर तैयार है। ये इसको बस गर्म पानी में धोकर, अच्छे से धोकर ये यूज़ करने के लिए बिल्कुल ही रेडी है। जब से ये कोरोना वायरस वगैरह स्टार्ट हुआ है तब से साफ़ सफाई और हाइजीन का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है। पहले मैं लॉन्ड्री हफ्ते में एक बार करती थी, बट अब मैं हर दो दिन में एक बार करती हूँ। शाम हो गई है, घर का सारा काम ख़त्म करके अभी मैं आई हूँ भगवान की पूजा करने। अभी पूजा करके फिर उसके बाद मैं जाऊँगी कुछ नाश्ता बनाने के लिए। शाम का टाइम है, नाश्ते का टाइम, और क्या खाऊं समझ में नहीं आया था, तो सोचा कि पिज़्ज़ा खा लेते हैं आज। वैसे भी बहुत दिनों से पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन हो रहा था, बट अभी बाहर का चीज़ थोड़ा सा भी हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। तो लास्ट वीक ही मैंने ये एक चीज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था फ्रेड मायर से, और ये सिंपल चीज़ पिज़्ज़ा है जो कि इसके ऊपर अभी मैं इसमें से कुछ वेजिटेबल्स डाल के इसको वेज पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ। ये सिंपल चीज पिज्जा है, इसके ऊपर कुछ वेजिटेबल्स डाल के इसको हम लोग वेज पिज्जा बना सकते हैं। ये सिंपल चीज पिज्जा जो वेजिटेबल पिज्जा बन गया है, अभी मैं इसको ओवन में डालने वाली हूँ। आज हम डिनर में चिकन बिरयानी बनाने वाले हैं और इसमें मेरी हस्बैंड आज मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो चिकन बिरयानी के लिए मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन को अच्छे से धो के एक बोल में ले लिया, और उसमें थोड़ा सा हल्दी, लाल मिर्च और नमक,
दो से तीन चम्मच दही, तीन से चार चम्मच बिरयानी मसाला और नींबू का रस और दो चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़ा सा फ्राइड ऑनियन और थोड़ा सा धनिया पत्ता। अब इन सबको अच्छे से मिला के इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। अभी बिरयानी के लिए चावल बनाएंगे और उसके लिए एक पतीले में पानी लेंगे और उसमें एक तेज पत्ता, लौंग, इलायची, नमक और तेल डालकर उसको ढककर बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। और पानी में जैसे ही बॉईल आने लगे उसमें चावल डाल देंगे और चावल को हमको 70% ही पकाना है। अभी मैरिनेटेड चिकन को कुक करेंगे, उसके लिए एक पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे और उसमें एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ टमाटर लेंगे और उसको फ्राई करेंगे। और अभी इसमें मैरिनेटेड किया हुआ चिकन को डालेंगे और उसको 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। चिकन को 15 से 20 मिनट तक पकाने के बाद अब चिकन के ऊपर चावल को डाल के इसको चिकन के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। और इसको धनिया पत्ते से गार्निश कर देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा नमक और चिकन बिरयानी मसाला डालकर इसको ढक के 10 मिनट के लिए पकाएंगे। और अब ये हमारा चिकन बिरयानी बनकर तैयार है। आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।